आज मैं आप लोगों के साथ लौकी की सब्ज़ी शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं कि इतना प्यारा सब्ज़ी लग रही है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरी वीडियो को आप पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, काट लिया मैंने कुछ लहसुन और हरा मिर्च। हल्का गोल्डन फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, लिया हाई फ्लेम पे। जिसमें देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जिसमें लौकी को मैंने छिलके काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, तो धो लिया है। तो डाल दे रहे हैं बेसन, 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढक दे रही हूँ मैं। इस 4 मिनट को ऐसे ढक के देखते हैं कितना सारा लौकी से पानी निकल रही है। फिर फ्राई करके फिर से ढक के पका रही हूँ मैं। मैं लिया कुछ टमाटर, 5 टमाटर आधा किलो के आसपास रखी है। टमाटर को मैंने काट लिए छोटे छोटे पीसेस में। देख सकते हैं लौकी भी गल चुकी है। मैंने 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लिए ढक ढक के सफाई अच्छे से कर लिया है। देख सकते हैं लौकी लगभग गल चुकी है। इसमें फिर से मैं टमाटर को डाल रही हूँ। इसमें एक चम्मच से कम है नमक, इस नमक को डाल के ढक दें, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। जैसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। जैसे कि देख सकते हैं कुछ देर के लिए मैंने टमाटर को ढक दिया था, टमाटर अच्छे से गल चुकी है। ऐसे भी इसमें डालने से टमाटर अच्छे से गलती है और जो सब्ज़ी है उस सिंगल सिंगल रहता है, वो गलता नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। तो आप फॉलो कीजिए स्टेप को, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इंडक्शन पे खाना बनाने में एक यही दिक्कत है कि इसे पकड़ के चलाओ वरना कढ़ाई इधर उधर डांस करने लगता है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर दें। मैं सीधा कर ले रही हूँ, 1 से 2 मिनट और फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बिना ढक के फ्राई की हूँ मैं। इसमें आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने मिर्च पाउडर हरा मिर्च काट के डाला था। अब डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर ऑलरेडी डाली हूँ मैं काफ़ी सारा, तो हल्दी कम डालूँगी तो टमाटर से लाल आ जाएगी। तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे भी मैं किसी भी सब्ज़ी में कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और टेस्टी सब्ज़ी बनाया तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देख सकते हैं कितना लाल 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 लग रही है बिना कश्मीरी मिर्च डाले। और थोड़ा सा हल्दी लौकी में बहुत अच्छे से लग जाती है। अब इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ मैं बिना ढके। 2 मिनट हो चुकी है, देख सकते हैं फ्राई कर लिया है मैं और लौकी तो पूरा पक चुकी है। देख सकते हैं टुकड़ा टुकड़ा हो रही है, गल गया है। तो इसमें ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ मैं आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी। इसे
उबाल आने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। अगर आपको सूखा खाना है तो आप उसमें स्पेस पे धनिया डाल के उतार सकते हैं, धनिया नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इतना लाल लाल नज़र आ रही है सब्जी, देख सकते हैं सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया। आप नमक चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, मैंने डाला था एक चम्मच कोर्स का, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्च भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस रेसिपी को आप इंजॉय कीजिए, बना के देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।